रायबरेली पुलिस ने नकली नोटों की खेप पकड़ी है। नकली नोट बनाने के उपकरण समेत पुलिस ने इनके कब्जे से 1,00,000 रुपए व अधबने नोट बरामद किए हैं। मामला लालगंज थाना इलाके के स्थानीय कस्बे का है। किसी दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की थी कि सामान खरीदने के दौरान उसे ग्राहक नकली नोट दे गया है। पुलिस ने CCTV को ट्रेस करते हुए युवक को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में उसने 2 अन्य साथियों का नाम बताया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वे कलर प्रिंटर की मदद से नकली नोट छाप कर बाजार में फुटकर खरीदारी कर बड़े नकली नोट के बदले छोटे असली नोट हासिल कर लेते हैं। SP आलोक प्रियदर्श नकली नोट के सौदागरों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। कृपया सादर अवगत कराना है कि आज 11 जुलाई को मुखबिर खास की सूचना पर थाना लालगंज की पुलिस ने कुछ स्थानों पर दबिश दिया, जिसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1 प्रिंटर भी बरामद हुआ है। ये लोग जाली नोट बना करके मार्केट में फुटकर विक्रेताओं को जाकर के सामान खरीदते थे। इस सूचना पर लालगंज पुलिस द्वारा दबिश देकर के मैं प्रिंटर सहित उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से लगभग 1,00,000 रुपया बरामद किया गया है। इनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। अभी इसकी जानकारी की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।